अच्छा, इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि अक्सर बच्चों ने क्वेश्चन करते हैं कि जी कल भी एक स्टूडेंट का कॉल आई थी कि सर मैं फोल्डर को लॉक कैसे लगा लूँगी तो तक मैं फोल्डर को एक्सेस ना कर सके। उसमें दो तरीके हैं। उस पहला तरीका ये है कि जिस आपके पास ये फोल्डर है, सिंपल आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है। आपने चले जाना है इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ से क्लिक करोगे सिक्योरिटी के टैब को, फिर वहाँ से यहाँ से आपने एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक करना है, फिर आपने क्लिक करना है एडिट के बटन को, अगेन आपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ से जो चीज़ जो चेक बॉक्सेस हैं डिनाई, इसको आपने सेलेक्ट करके ऑन कर देना। सब पे ये चेक बॉक्स लग जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से अप्लाई करना है और अगेन क्या करोगे, इसको आप ओके कर दोगे, अगेन ओके कर दोगे। तो अब इस फोल्डर को कोई भी डबल क्लिक करके खोलेगा तो आपको मैसेज देगा यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। अगर कंटिन्यू करोगे भी तो आपको फिर भी वो नहीं खोलने देगा। हाँ, अगर किसी को इस टेक्निक का पता होगा तो वो दोबारा वहाँ जाके राइट क्लिक करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएगा, अगेन सिक्योरिटीज़ में जाएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन एडिट, फिर यहाँ से जाके एडमिनिस्ट्रेशन को जब क्लिक करेगा ये सारी चेकबॉक्स ऑन होंगे, दोबारा इनको यहाँ से अनचेक करके तो इसकी परमिशन को ऑन कर सकता है। लेकिन ये वो कर सकता है जिसको टेक्निकली इन चीज़ों का पता होगा, तो वो फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन नॉर्मल बंदा, ये जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको नहीं कर एक्सेस कर। अब डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा फोल्डर आप, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि जो इससे भी ज़्यादा सिक्योर है, वो ये है कि आपने आपके सिस्टम में विन आर ए आर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। विन आर ए आर से हम लोग आर ए आर फाइल बना सकते हैं या जिप फाइल बना सकते हैं। इस सारे को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। अगर तो आपके सिस्टम में ये चार आपको आइकन नज़र आ रहे हैं तो मीन आपके सिस्टम में विन आर ए आर इंस्टॉल है। अगर आर ए आर इंस्टॉल नहीं है तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। वो कैसे करना है, आपने जाना है जी गूगल में, यहाँ टाइप करोगे डाउनलोड विन आर ए आर, तो आपको वो ये बटन ये लिंक देगा, आपने इसके अंदर जाना है। वहाँ जाके आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको 64 बिट में चाहिए, 32 बिट में चाहिए, कि आपने कौन सा इंस्टॉल करना है। तो आपने वो ये चेक करने के लिए कि राइट माउस क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपको यहाँ शो करेगा कि आपके सिस्टम जो है कितने बिट पे विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है, 64 बिट के ऊपर। तो अब आप इसी तरह से अपने उस स्क्रीन में दोबारा जाओगे, यहाँ से 64 बिट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, ठीक हो जाएगा। तो फिर आपको जब आप फोल्डर में जाओगे तो आपको जब राइट क्लिक करोगे तो फिर आपको ये चार आइकन शो करेगा, मीन कि आपका विन आर ए इंस्टॉल हो गया। अब आपने करना है यहाँ से सबको सेलेक्ट करके, सबको सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए के साथ, फिर आपने राइट क्लिक करना है, अगेन आप ऐड टू आर्काइव करोगे। आर्काइव करने के बाद यहाँ से आपने विन आर ए आर कर लो या जिप कर लो, दोनों से जो भी जो मर्जी कर लो, आप फाइल का नाम जो सेलेक्ट करना चाहो कर लो। ये लिखा है ये सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड को क्लिक करोगे, यह हमें पासवर्ड साइन करना है। अगर शो पासवर्ड करोगे तो पासवर्ड शो कर देगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा। अब यहाँ लिखते हो पासवर्ड, फिर नीचे दोबारा उसको वेरीफाई करते हो और इसको ओके कर देते हो, अगेन ओके कर देते हो, तो ये आपके पास ये फाइल आ गई है। अब जिसको फाइल सेंड करोगे, जब वो वहाँ जाके राइट क्लिक करके इसको करेगा ना एक्सट्रैक्ट हेयर, तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड पता होगा तो खोलोगे, वरना नहीं खोलने देगा उसको, ठीक है। अभी दोनों तरीके आपके पास हैं, डायरेक्ट फोल्डर को भी लगा सकते हो और जिप को भी लगा सकते हो। एंड देन एंजॉय योर फाइल्स। सलाम वालेकुम।